चैनल नेक्स्ट नाइन न्यूज में और मैं हूं आपके साथ आरती। यूं आसान नहीं होता कि अपना एक 10 साल का रिलेशन छोड़ के आप किसी के साथ प्यार में पड़ जाएं। 10 साल का रिश्ता था हिमांशी खुराना का और वो खत्म हुआ और उसके बाद आसिम रियाज जैसा लड़का मिलना उन्हें, यकीन मानिए काफी ज्यादा खुशनसीबी है उनकी। 10 साल का रिश्ता अगर हिमांशी खुराना ने छोड़ा है तो जरूर आसिम रियाज में कुछ ना कुछ बात तो जरूर होगी, और क्या पता इनका पहला रिलेशन इनके लिए अच्छा ना हो। हर किसी की जिंदगी में वो दौर आता है जिससे वो निकलना चाहते हैं। हिमांशी खुराना भी शायद कहीं ना कहीं खुद भी इस रिलेशन से निकलना चाहती होंगी, तभी तो आसिम रियाज के इतना ज्यादा क्लोज आई। दोनों एक ऐसे प्लेटफॉर्म पे मिले, नेशनल प्लेटफॉर्म पे, टीवी पर, जब लाखों करोड़ों की संख्या में लोग इन्हें देख रहे थे, तब इन दोनों की दोस्ती आगे बढ़ी और दोस्ती प्यार में बदलती हुई नजर आई। इनका ये सफर देश की जनता को भी काफी ज्यादा पसंद आया। जिस तरीके से आसिम रियाज ने हिमांशी खुराना को नेशनल टीवी पर शादी के लिए प्रपोज किया, आसिम का ये अंदाज उनके फैंस को काफी ज्यादा पसंद आया। और जब अब बिग बॉस खत्म हो चुका है और उसके बाद भी ये दोनों लव वर्ड्स जो हैं वो अपने रिलेशन में आगे बढ़ते हुए दिखाई पड़ रहे हैं, जो कि इन दोनों के लिए बहुत बड़ी गुड न्यूज है। सोशल मीडिया पर हैशटैग आसिम मानसी का ट्रेंड चला हुआ है, जिन्हें फैंस बहुत ज्यादा प्यार देते हैं। सोशल मीडिया पर इन दोनों के नाम से कई फैन पेज बने हुए हैं और इन दोनों की क्यूट क्यूट मोमेंट्स इन पेजेस पे डाली जाती है। अब साथ ही साथ आपको यहाँ पर ये बता दें कि हाल ही में आसिम रियाज ने अपनी एक तस्वीर को सोशल मीडिया पर साझा किया था और इस तस्वीर को देखने के बाद हिमांशी खुराना जो है वो उन्हें पंपकिन के नाम से बुलाती है, और ये क्यूट भरा अंदाज जो है फैंस को काफी ज्यादा पसंद आया है। दरअसल जो ये हिमांशी ने उनकी पोस्ट पर कमेंट किया है, इन्हें दर्शक जो है वो शानदार तोहफा बता रहे हैं। जी हाँ, ये अंदाज लोगों को बहुत ज्यादा पसंद आ रहा है। और अब आपको हाल ही की एक और बात बता देते हैं। दरअसल अभी हाल ही कुछ घंटे पहले ही आसिम रियाज ने अपनी और हिमांशी खुराना की एक तस्वीर को सोशल मीडिया अकाउंट पर साझा किया है। इस तस्वीर को दर्शकों का बहुत ज्यादा प्यार मिल रहा है। जिस तरह से आसिम रियाज अपने रिलेशन को खुलकर अपनाते हुए नजर आ रहे हैं, आसिम का ये अंदाज लोगों को बहुत ज्यादा पसंद आ रहा है। वहीं हिमांशी खुराना भी कहीं पीछे नहीं हट रही है, वो भी अपने रिश्ते के बारे में खुलकर बात करती है, आसिम रियाज के बारे में खुलकर बात करती हैं, और ये दोनों जो हैं वो अपना रिश्ता आगे बढ़ाने के लिए पूरी तरीके से तैयार है। जी हाँ, आपको बता दें आसिम रियाज ने बिग बॉस के घर से निकलते ही सबसे पहले हिमांशी खुराना को अपने पापा से मिलवाया था। कहीं ना कहीं आसिम रियाज के घर वाले हिमांशी खुराना को लेकर काफी ज्यादा खुश है, तभी तो ये दोनों एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करते हुए नजर आते हैं, एक दूसरे को कॉल करते हैं, एक दूसरे के साथ तस्वीरें साझा करते हैं। वहीं आपको ये भी बता दें कि हिमांशी खुराना की बॉन्डिंग आसिम रियाज के भाई और आसिम रियाज की बेस्ट फ्रेंड कही जाने वाली रश्मि देसाई के साथ भी बहुत अच्छी है। हाल ही में हिमांशी खुराना ने अपनी एक तस्वीर को शेयर किया था जिसमें वो रश्मि देसाई और आसिम रियाज के साथ नजर आ रही है। इस तस्वीर को भी दर्शकों से तो खूब ज्यादा प्यार मिला। वहीं अब इन दोनों की जोड़ी को लोग फ्यूचर में भी एक साथ देखना चाहते हैं। लोगों का ऐसा मानना है कि इन दोनों को हमेशा के लिए एक साथ रहना चाहिए। अब भाई आसिम रियाज ने तो सोशल मीडिया और यहाँ तक कि नेशनल टेलीविजन पर ये कसम खा ली है कि वो हिमांशी खुराना को छोड़ेंगे ही नहीं। सलमान खान के सामने उन्होंने इस बात को अपनाया था कि आसिम रियाज अब हिमांशी खुराना अब उनके साथ जिंदगी भर रहने वाली है। यहाँ पर सलमान खान ने उन्हें धमकी भी दी थी कि अगर उन्होंने हिमांशी खुराना का साथ छोड़ा तो सलमान खान से बुरा तो कोई नहीं होगा। वहीं आसिम रियाज खुद भी हिमांशी का साथ नहीं छोड़ना चाहते हैं और अब अपने इस रिश्ते को आगे बढ़ा रहे हैं, और ये रिश्ता आगे इसी तरह बढ़ता रहेगा। इन दोनों के प्यार को लेकर आपका क्या कहना है,
कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। फिलहाल आज के लिए बस इतना ही। इसी तरह की और खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ और देखते रहे नेक्स्ट 9 न्यूज़ को।